गजब की बात है, पहले बयान दे दो, इसके बाद हंगामा होने पर सफाई दे डालो। जी हाँ, ऐसा काम कर डाला है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने, जिन्होंने पहले तो राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली, इसके बाद विवाद होने लगा, फिर सलमान खुर्शीद पर सवाल भी उठने लगे, तो नेताजी पीछे हट गए और तुरंत सफाई भी दे डाली। क्या भैया, मैं कौन होता हूँ भगवान से तुलना करने वाला। चलिए पहले आपको कांग्रेस नेता का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली, फिर आपको वो भी बताएंगे कि कांग्रेस नेता ने अपने बयान पर क्या सफाई दी। भारत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सुना आपने नेताजी का बयान, अब इस पर नेताजी की सफाई भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा, मैं कौन होता हूँ भगवान राम से तुलना करने वाला। हालांकि सलमान खुर्शीद ने इसके बाद कहा, मुझे लगता है कोई व्यक्ति भगवान के दिखाए मार्ग पर चल रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, और कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे क्या कहूंगा, भगवान समान हो गया, यही कहा जाता है। भगवान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास सब कर सकते हैं, और अगर कोई भगवान के रास्ते पर चल रहा है तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खैर, कांग्रेस नेता ने बेशक अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन सलमान खुर्शीद अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और उन पर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं कि कांग्रेस नेता ने हिंदुओं का अपमान किया है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।